नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सकम जुहानी। आप देख रहे हैं जुहानी टॉक्स और बात कर लेते हैं आज के अमेरिका की मंदी के बारे में। तो बात करेंगे जो हट आ रही, प्लस वॉरेन बफे ने जो स्टेप्स लिए हैं वो भी आपको हम बताएंगे, और उसके बाद में फिर आपको चर्चा करते हैं कि सबसे पहले ले लेते हैं कमेंट्स एंड क्वेरीज की, क्योंकि ये कई दिनों की हो गई है। और उसके बाद में फिर, हालांकि इस वीक में भी मैंने काफी सारी क्वेरीज को कवर करा था, आप लोग जानते ही हैं, और उसके बाद में फिर जरूर चर्चा करेंगे अमेरिका की मंदी की और वॉरेन बफे के एक्शंस की। तो उसको भी आप देखिए। सबसे पहले तो डी कौरव सर ने सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं, तो शुभकामनाएं दिया उन्होंने। धनतेरस आपको पता ही है, उस दिन वैद्य अपना अपना धनवंतरी को और माता लक्ष्मी को आशीर्वाद था। तो ठीक है, वो हो गई, आगे की बात हो गई। तो आप लोगों की भी, मतलब जो हमने भी दिया था शुभकामनाएं, कौरव सर ने भी दिया है, वहीं पर है। सूर्य कुमार जी बोल रहे हैं, देखो दोस्तों आपके पास पैसा है तो लगा दो, क्योंकि बाजार तो बढ़ेगा, इसलिए बिना डरे लगे रहो, कुछ छोटी छोटी पारी खेलते रहो। यस, मैं इस बात से समर्थन करता हूं कि छोटी छोटी पारी हमने खेलनी है। ये क्यों मैं बार बार बोलता हूं वो मैं आगे आने वाले समय में अभी आपसे इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसके बाद में करबंदा जी ने, मतलब जो है, अप्रिशिएट किया है काम को। फिर डी कौरव सर बोल रहे हैं, हे प्रभु और गिर जाए मार्केट, ज्यादातर कमजोर दिल वाले भाग जाएं मार्केट से, तब आएगा असली मजा। इसका मतलब कौरव सर बढ़िया खिलाड़ी हो गए, उनको आनंद आने लगा है। लेकिन कोई बात नहीं सर, मजा तो तब आता है जब लोग भी पार्टिसिपेट करें, देखते हैं फिर। ठीक है, कुलदीप सर बोल रहे हैं, सर अमेरिका से कमला हैरिस जीतेंगी। अब सर इस चीज का प्रेडिक्शन तो अभी करना मेरे लिए थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, लेकिन चलिए ठीक है, देखते हैं आगे होता क्या है। आपने बोला तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद में कुलदीप परमार सर जी, हैप्पी दिवाली सर, और सभी भाइयों को भी, तो जो परिवार के सभी भाइयों को उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं भेजी हैं। कल तक तो हम लोग ठीक है दिवाली ही मनाते रहे, धनतेरस मनाते रहे, छोटी दिवाली मनाते रहे, बड़ी दिवाली मनाते रहे, दिवाली के बाद में फिर अपना गोवर्धन पूजा मनाते रहे। आज भाई दूज है, तो भाई दूज का भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने भी सबरे सबरे अपनी बहन को फोन किया है, तो आप सभी भाइयों को और सभी बहनों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भाई दूज की भी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको थैंक यू करते चलते हैं, क्योंकि आज संडे है, जल्दीबाजी कोई नहीं है, आराम से आज के दिन हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अमीन खान सर ने नाइस बोला है, मार्केट कब तक दर्द देगी, इसके बारे में जो हमने किया था। उसके बाद में निब बुफेल सर ने बोला, हैप्पी दिवाली, स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी के लिए उन्होंने सबको किया है, तो इसलिए आपको भी सर, आप भी हैप्पी दिवाली एंड स्टे हेल्दी सर। उसके बाद में विजेंद्र सर ने बोला है, शुभ दीपावली की अनंत मंगल कामना है, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनाए रहे सर, आप सब पर बनाए रहे, हमारे पूरे जुगानी परिवार के लोगों पर भी माता रानी कृपा रखें। गुजरात बंधु सर ने भी शुभ दीपावली। उसके बाद में है हमारे सैनपाल दादा ने, हैप्पी काली पूजा अंकल जी, तो सैनपाल दादा जी को भी हैप्पी काली पूजा भाई साहब, एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से मनाई होगी। उसके बाद में सलाउद्दीन खान सर बोल रहे हैं, जुगानी सर मैं भी आपके डिस्ट्रिक्ट बस्ती के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर में रहता हूं। सर सिद्धार्थ नगर में तो हमारी रिश्तेदारी है, हमारे छोटे भाई साहब की ससुराल है। चलिए रहता हूँ मैं, दो मिड कैप, दो स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, बहुत अच्छा आपका सिलेक्शन है, SIP करता हूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब बड़ी जल्दी आपने सर पकड़ा है सलाउद्दीन सर, और मेरे ख्याल से द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट आपने पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ है। दो दो चार एक पांच फंड का है आपका, नाइस है, आपके पास फ्लेक्सी कैप भी है, आपके पास मिड कैप भी है, आपके पास स्मॉल कैप भी है, तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। हालांकि आपने एज नहीं अपनी बताई है, एंड और आप जब कहते हैं तब मैं लमसम भी करता हूँ, थैंक यू सर जी। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। ठीक है सर, ओके। गुजरात बंधु सर ने फिर किसी वीडियो को दिल से लाइक किया, सर थैंक यू आपको भी। एंड गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं, सोमवार के दिन नए मंथ के दिन 1 लाख, 5 नवंबर के बाद 1 लाख लगाना है, निफ्टी 24,000 पर जाए तो दूसरा 2 लाख डालना है। ठीक है सर, और निफ्टी 23,300 पर जाए सर, यहां पर तो
जाने की चांसेस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, वैसे फिलहाल जा भी सकता है, कुछ सिनरोज हैं वो मैं आपको आज अभी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उस पर चलना भी मेरे ख्याल से ज्यादा आंख मूंद करके चलना नहीं होता, क्योंकि हम इंडियंस हैं और इंडियन मार्केट हमेशा सरप्राइज करती है। तो सर वैसे क्या है कि जो आपने जिस हिसाब से बताया था, आपके पास अभी कैश है, उस कैश को एलोकेट करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आलस से ना करें, इस चंक को डालने के बजाय ना 10,000, 5,000, 10,000, 5,000 हर फंड में एलोकेट करते रहे, वीक वाइज आप बांट लें, ठीक है ना। अब आप जाने का इंतजार करने से वो नहीं है, अभी आप मार्केट में एंट्री बनाइए, क्योंकि आपके पास जो कैश है इस समय मार्केट आपका ठीक ठाक रेंज में है, ठीक है ना। हाँ, जब उस पे जाएगी 23,000 या 23,000 से नीचे जाएगी तो उसके बाद में फिर वो करेंगे, झोंकेंगे, वो अलग बात हो गई। लेकिन सर मेरी आपसे आपसे निवेदन यही है कि आप जो है थोड़ा सा वो करें। उसके बाद में डी कोरो सर बोल रहे हैं, सर बीएससी लिमिटेड और कैम्स लिमिटेड के स्टॉक्स कैसे हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए? सर देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग मीन्स मुहूर्त इन्वेस्टिंग होता है, और उस पर हमने कॉल दिया था अपने व्यूअर्स और जो सब्सक्राइबर्स को कि आप लोग मुहूर्त ट्रेडिंग और ये करें, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक वीडियो जरूर बनाया था कि वहां पर आप लोग इसमें क्या है इमोशन में हो करके ये फैसले मेरे ख्याल से करना उचित नहीं रहता है, वो मैंने कोट करा हुआ था, क्योंकि चतुर चोर और सुस्त व्यापारी, अगर इस प्रकार से हम लोग इस सोच से नहीं चलेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करना है मार्केट में, ठीक है ना। थोड़ा सा 2 रुपया महंगा मिल जाएगा चलेगा, लेकिन सिंडोज को देख करके, वहीं अगर कहीं 2 रुपया सस्ता हो गया तो आज जो रेट है वो 2 रुपया सस्ता होगा तो 2 रुपया महंगा चल जाएगा, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, लेकिन जो जो 2 रुपया सस्ता जाएगा उस समय थोड़ा सा पेन मिलता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट करना है और धीरे धीरे आनंद लेना है, ठीक है ना। चलिए, कनेक्टेड टू जियो पॉलिटिक्स कौन सा है जो बाउंड फैक, इट इज ए टेम्परेरी रिस्पाइट, इट मे स्लाइड बैक एनी टाइम। हाँ सर, थोड़ा सा क्या है कि स्लाइड बैक थोड़ा सा टाइम तो लेगा, कंसोलिडेट मार्केट करेगी, अभी सीधे बाउंस तो नहीं करेगी, क्योंकि 25,000 का आंकड़ा भी क्रॉस करने में अभी मार्केट को बहुत सारे नाको चने चबाने पड़ेंगे, 24,500 भी मैं बोल रहा हूँ कि वो एक बहुत बड़ा हर्डल है, 24,100 से लेकर के 24,500 के बीच में रेंज बाउंड रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक अमेरिका के हालात, अभी मैं आ रहा हूं आपसे उस पर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। तो वो मैं करता हूं क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूनिक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आना आपको पता ही है, ये ज्वाइंट टॉक्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद में रमेश महतो जी बोल रहे हैं, सर बट स्मॉल कैप फंड्स को मैक्सिमम 60% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाने की परमिशन है ना? यस, 65% क्या? ओके, 65 मतलब मस्ट है, इतना उनको लगाना ही लगाना है स्मॉल कैप में, वो उससे ज्यादा भी लगा सकते हैं आपके स्मॉल कैप में, कोई इसमें दो राय नहीं, 65 उनका टारगेट है कि वो 65% उनको लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। आगे उस पर करता हूं, अभी जो डिस्कस करता हूं कुछ इसमें रिप्लाइयां हमारे रिलीजन आप पी सर ने दिया है। तो कोई सिर्फ स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करता है तो उसका सारा पैसा स्मॉल कैप में नहीं जाता, डाइवर्सिफाई हो जाता है। सर देखिए, अब आपका डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस आपकी एज क्या कर रही है, एज यहां पर एज मैटर करता है सर, दो चीजें हैं सर। एक तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि हमें कभी भी हमेशा ये नहीं सोचना है कि मैं क्या बताऊं कि बहुत ज्यादा गेन के चक्कर में हमने नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात क्या है, बहुत ज्यादा गेन के चक्कर में, बहुत ज्यादा परसेंटेज के चक्कर में हमने नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ परसेंटेज में हमने परसेंटेज ऑफ गेन के चक्कर में पढ़ना है, कुछ सेफ्टी के चक्कर में पढ़ना है, तो ये मार्केट की पेचीदगियां हैं, ये चीजें आपको समझनी है। दूसरी बात क्या है कि आप रिस्क अपना कितना डाइवर्सिफाई कर रहे हो, रिस्क आपका कितना, एपेटाइट कितना है, मतलब मींस क्या है कि आज के टाइम पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आप ये सोच रहे हो मेरा इतने से इतनी कमाई हो जाएगी तो उसके बाद में मैं ये काम करूंगा। नो, आपका हर चीज एक गोल पर फिक्स होना चाहिए मार्केट के अंदर, ये बात मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। ये बात मैं क्यों बार बार बोलता हूं, ये बात मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि जब ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं कि खास करके जब, एक तो देखो हमेशा होता है भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, अब कभी कभी क्या होता है भेड़िया आता नहीं है, लेकिन जब भेड़िया आ जाता है ना उस समय बचाने वाला कोई नहीं होता है, तो हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने हथियार को, अपने इसको हमेशा तैयार करके रखना है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपकी एज 30 जो है बिलो द 35 है, आपके पास 15 साल से अबव का होराइजन है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में जाने का तो कोई भी चांस ही नहीं कि आप उसमें ना जाए,
कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, फिर आपने जाना जाना है। लेकिन आप ये बोले कि मैं सारे गोल को वहां पर फिक्स कर दूंगा, तो भैया उससे बढ़िया आपका 12% का रिटर्न भी है, 10% का रिटर्न भी उससे बढ़िया है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है कि जहां पर आपको 8% भी टैक्स की लायबिलिटी के बिना भी मिल जाता, तो एक गोल के लिए वहां पर भी फिक्स्ड रहना जरूरी होता है। कभी भी बोलते हैं ना, हमेशा आप लोगों ने भी सुना होगा, लोगों ने बताया होगा, मैं भी बार बार उस चीज को जब मेरे को समझ आई तब बोलता हूं, अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने हैं। बाकी देखता हूं, आपको डिस्कस करता हूं। अभी जो है रिलीजन ऑफ जो है, पीस सर ने बोला मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 65%, यस। उसके बाद में 100% भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड मैनेजर, लेकिन करते नहीं, इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको भी डर है यार कि कहीं अगर भरभरा करके गिरा तो मेरे पास लिक्विडिटी का क्या होगा, मैं उनको पैसा दूंगा कैसे, मैं दूंगा। और दूसरी चीज क्या है, अभी आगे आऊंगा, बहुत सारे जो है वो होंगे अपना जो है डिस्कशन होंगे। रमेश माधो सर फिर बोल रहे हैं, इनको जो टैग करके क्या बोल रहे हैं, ओके ब्रो थैंक्स फॉर क्लियरिंग माई डाउट। तो आपका डाउट मेरे ख्याल से रमेश माधो जी सर ने जो क्लियर कर दिया है, बट आपके डाउट के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप कम से कम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना रखिए, फंड मैनेजर के सहारे पर नहीं रहिए। फंड मैनेजर एक पर्टिकुलर फंड को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 20% 22% 25% या उस गेन को देख करके चल दूंगा, नहीं। वो बाद में जब एवरेज होती है मार्केट, तो एवरेज आउट होकर के वहीं पर ही ला करके गिरा देती है, जैसा कि आपको हमने बताया हुआ है, चाहे वो टाइम करेक्शन दे करके चाहे प्राइस करेक्शन दे करके, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 16,000 के लास्ट में, हुसैन पॉल दादा बोल रहे, 16,000 के लास्ट में हूं, ऑल टाइम हाई से, पता नहीं कब भरपाई होगा, कब पोर्टफोलियो आगे बढ़ेगी। अब इसकी 5 रिप्लाइयां मिली हैं सर, फिर मैं भी इस पर अपना देता हूं ओपिनियन। अब गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं, लास्ट प्रॉफिट 1,000,000 से नहीं, सीएजीआर और एक्सआईआरआर से देखें। ओके गुजरात बंधु सर फिर बोल रहे हैं, तुम्हारा अकाउंट पोर्टफोलियो नया है इसलिए लॉस दिखता है, 2 साल बाद ठीक हो जाता है, मेरा अकाउंट भी अभी 15% XIRR प्रॉफिट दिखा रहा है। फिर गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं, लाश को कोई लाश नहीं बोलेगा तो फिर क्या, अच्छा सेंट पॉल दादा सर को बोल रहे हैं, लाश को कोई लॉस नहीं बोलेगा तो फिर क्या बोलेंगे। अगर तुम सर अच्छा ठीक है चलो ना निंदी है सर, अगर तुम XIRR की बात कर रहे हो तो XIRR पहले 40% था, अभी 20% है। ओके देखा, बात यहीं पर आ गई जो मैं अभी सर को समझा रहा था, जो मैं अभी सर को समझा रहा था वही बात आ गई। अभी सर ने तो जो तुरंत मेरे से पूछा था उस चीज को क्लियरिफाई किया था, तो मैंने वहां पर ही यही किया था कि एवरेज आउट होकर के यहां पर आ जाएगी भाई मेरे, और थोड़ा सा लंबा की चलो ठीक है अभी करता हूं डिस्कस कर। फिर कुलदीप परमार सर क्या बोल रहे हैं, भाई म्यूचुअल फंड में लोग लॉन्ग टर्म का व्यू है तभी आना है, नहीं तो फिक्स डिपोजिट में रखो। बात रही लॉस की, तो 2-3 साल में अप डाउन होगा, उसके बाद में मजा आएगा। फिर रिलीजन ऑफ पीस सर बोल रहे हैं, भाई 10 साल वेट करो, XIRR 12-15% तक आएगा, यही एक्सपेक्टेशन लेकर के चलो, इससे ज्यादा नहीं। यार देखो आप लोगों को एक्चुअली जो है ना मार्केट की समझ हो रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं, मार्केट की समझ आपको हो रही है। देखो सनपाल दादा, मैं आपको बड़े प्यार से बड़ी विनम्रता से ये चीज समझाना चाहता हूं कि कभी भी मार्केट में आपका जब तक कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप नहीं लोगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। अब रही बात कि 40% XIRR से अगर 20% आ गया, 15% आ गया, 10% आ गया, मींस क्या है, जो आपका असेट है ना, उस असेट की वैल्यू को समझिए कि आपके पास जो असेट है उस, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लिया सोना आज के टाइम पर 80,000 फिर चला गया, बीच में आपका 70,000-71,000 पे आ गया था, जैसे ही आपका 5% टैक्स उसका जो है जब बढ़ करके लगा था, तो सीधी सी बात है उस समय जिसके पास सोना रहा, और खास करके एसजीबी जिनके पास रहा होगा, वहां पर मैंने भी बिल्कुल क्लियर कट बोला था कि नहीं, ये आम इन्वेस्टर के साथ जिन्होंने एसजीबी खरीदा है उनके साथ में एक्चुअली छल हुआ है। अब उस प्रकार का छल तो यहां पर नहीं है, यहां पर क्या है कि मार्केट ने उनको रिवार्ड किया है जिन्होंने अच्छा काम किया है, मार्केट ने उनको पनिश किया है जिनका रिजल्ट खराब आया है। मींस क्या है कि अभी आपने, आपके फंड में जो शेयर्स हैं,
बात को मेरी समझिए, कोई भी ऐसा भूचाल तो आया नहीं है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं दिखी हैं कि हाँ कोई ऐसी आपदा आ गई है, कोई विपदा आ गई है जिसकी वजह से मार्केट डाउन हो। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि एक तो FIIs की बिकवाली हुई है, जितने की बिकवाली हुई उतने की आप देख रहे हो कि आपके DIIs ने खरीदारी करी है। एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सर? इस बात से तो आप लोग भी एग्री कर रहे होंगे। अब यहां पर जो हमारा हुआ है वो कंपनियों का रिजल्ट और वैल्यूएशन का करेक्शन, दो चीजें हुई हैं। और ये अच्छी बात है कि अगर आपकी मार्केट थोड़ा वैल्यूएट हो रही है तो अच्छी बात है। अब उसके बाद में जैसे आपके शेयर्स जितने होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके फंड मैनेजर के सारे आकलन बिल्कुल सही निकल गए होंगे बनस्पत की अदर फंड मैनेजर्स के, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उसमें से कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जिनको रिवार्ड हुआ होगा, कुछ शेयर ऐसे होंगे जिनको पनिशमेंट मिला होगा, जिनको पनिशमेंट मिला उनकी वैल्यू डाउन हुई है। अब हो सकता है कि आपके इसमें कुछ शेयर्स ऐसे होंगे कि जिनको पनिशमेंट तगड़ा मिला होगा, इसलिए आपका ग्रोथ आपका कम दिखाई दे रहा। हो सकता है कि और ज्यादा भी अगर उनको पनिशमेंट मिलता है तो अक्टूबर तक में, तो अभी क्या हुआ कि Q2 के रिजल्ट आ गए हैं, अब कोई भी इसका खतरा नहीं है। इसीलिए मैंने अपना आकलन जो आप लोगों को दिया था, ये इसीलिए दिया था कि भाई मेरे देखो, मैं बड़ी तसल्ली से, बड़ी तन्मयता से आज के दिन संडे के दिन बात करता हूं, आप लोगों की सारी शंकाओं का निराकरण करता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको तभी समझ में आएगा। अभी क्या हुआ कि जो आपके पास असेट है, असेट मतलब जो आपके पास NAV है, नेट असेट वैल्यू है, जितना उसका अकुमुलेशन है, वो जब आपकी मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगी, उस समय भी हो सकता है कि आपके कुछ शेयर्स अपने उस लेवल पे ना पहुंचे, लेकिन कुछ शेयर्स ऊपर जाएंगे तो बाद में फिर एवरेज आउट हो जाएगा। लास्ट में जो अंतिम में दो भाइयों ने, देखो आपको समझाने की कोशिश किया है, तीनों भाइयों ने, गुजरात बंधु सर ने भी किया, कुलदीप परमार सर ने भी किया, रिलीजना पीस सर ने भी किया है, सबने आपको समझाने की कोशिश किया है। और ये बात सही है कि आप अपने एक्सपेक्टेशन के, आप अपना एक्सपेक्टेशन उतना ही रखें कि जितने पर आपका CAGR उतना मेंटेन हो सके। अभी हमने आपको एक दिन पहले निफ्टी का एग्जाम्पल दे करके, GDP का एग्जाम्पल दे करके, फिर उसके बाद में आपके इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल दे करके, फिर वहां तक आपकी निफ्टी रिटर्न देगी, फिर उसके बाद में मिड कैप इतने जाएंगे, स्मॉल कैप इतने जाएंगे, बड़े अच्छे से आपको हमने उसको समझाया था। तो संपल दादा, अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से सुनोगे ना, तो पक्का ये है कि हाँ आपको वहां पर एक, जो बोलते हैं ना, दो टाइप के कोर्स होते हैं, एक होते हैं अपना फाउंडेशन कोर्स होता है, एक अपना जनरल कोर्स होता है। तो आप कहीं ना कहीं जनरल कोर्स में चले जाते हो, इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप बेसिक जो आपका फाउंडेशन कोर्स आपका चलता है, अब एवरी वीडियो तो एवरी के लिए होता नहीं है। अब मैं भी उतने डाटाज तो हमेशा तो ला नहीं पाता हूं, हाँ रिसर्च करूंगा, पढ़ूंगा, देखूंगा, तब तो आपके पास ला पाऊंगा। तो जो ऐसे कुछ वीडियोज होते हैं जिनमें आपको उन चीजों को, आपकी शंका का समाधान करा जाता है, तो आप ये मान करके चलिए कि अगर हमने 12% या 12-14% निफ्टी का एवरेज हमने किया हुआ है कि 2032-33 तक इतना जाएगा, 34 मान लो, एक डिकेट का मैंने टाइम मांगा हुआ, तो एक डिकेट का मैंने आपको क्लियर करके दिया हुआ था। अब उससे 5-5% आप अप कर दीजिए, 5-7-8% आप अप कर दीजिए मिड कैप का, स्मॉल मिड कैप और स्मॉल कैप का, उससे ज्यादा आपको मिलना है। बिकॉज क्या है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इनके पास मेहनत करने कैपेसिटी ज्यादा और इनके पास स्कोप ज्यादा है, ये मेहनत ज्यादा करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप वाले, मेरी बात समझ रहे हैं आप, तो मेहनत ज्यादा करते हैं 100%, ये बात ट्रू है। लेकिन क्या है कि अब इनकी, जिनको हम बोलते हैं ना, औकात तो नहीं बोल सकते, वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, क्या नाम है, अनसोशलाइज वर्ड हो जाएगा, इनकी जो बोलते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते हैं, इनका जो ढांचा बोलते हैं, वो इतना छोटा होता है कि जैसे ही कोई जब तूफान आंधी आता है ना, तो ये उस प्रकार के घर के जैसे हो जाते हैं जिनका घर टिन सीट का होता है। तो भैया हो, इनकी टीने उड़ती हैं, इनके ऊपर ज्यादा डैमेज होता है, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है इनके ऊपर डैमेज ज्यादा दिखता है, तो इसलिए वहां पर लॉस भी आपको स्मॉल कैप में ज्यादा दिखता है रदर देन कि उसके। लेकिन इस बार देखिए आप, इस बार क्या हुआ है कि इनफ्लो के ऊपर मार्केट चल रही है। अब इनफ्लो रिटेलर्स का किस पे आया है, स्मॉल कैप पे आया है, तो स्मॉल कैप में गिरावट भी उतनी दर्ज नहीं करी गई जितना हर बार करी जाती थी। और हर बार पहले लार्ज कैप उठता था, फिर मिड कैप उठता था, फिर स्मॉल कैप उठता था। अभी क्या हुआ कि स्मॉल कैप पहले उठा है, बिकॉज क्या हुआ है कि उसमें इनफ्लो ज्यादा आया है। मींस क्या है कि हमने थोड़ा सा सचेत भी रहना है, अगर हमारा होराइजन थोड़ा सा कम है तो।
अच्छा अब अगले ले लेते हूँ, जो ले लेता हूँ सर क्वेरीज। तो उम्मीद करता हूँ सर ये सारी जानकारियां आप लोगों को समझ में जो आ गई होंगी, और जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ इसको आप लोग अप्रिसिएट जरूर करेंगे। गुजरात बंधु सर ने फिर हमें जो है क्या नाम है ये किया, अपना मोटिवेट किया है मोर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। अभी मैं 18,000 के लॉस में हूँ जबकि स्मॉल कैप बढ़ रहा है, जोगिंदर सिंह जी बोल रहे हैं, जगेंद्र सर बिष्ट जी बोल रहे हैं। सर देखिए मैंने उन चीजों को आपको बिल्कुल एकदम से क्लियरिफाई कर दिया है कि अब यह डिपेंड करता है कि आपके फंड मैनेजर ने किन शेयर्स को चूज किया है, अब उन शेयर्स में से किन शेयर्स की कितनी पिटाई हुई है ये डिपेंड कर रहा है सर। अब उस समय तो सारे के सारे भाग रहे थे, लेकिन जब उनका रिजल्ट आया हो, रिजल्ट तो जो सबका आया है, तो रिजल्ट आया है तो उसी अनुसार उनको मार्केट ने रिवार्ड और पनिश भी किया है। तो आपके जो शेयर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आ जाएंगे नहीं, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनकी वैल्यूएशन करेक्ट होगी, अच्छी बात है। इस समय आपका जो एसआईपी से पैसा जा रहा है उस पर आप सोचिए कि उनका अकुमुलेशन आपका बढ़िया हो रहा है, या आपका फंड मैनेजर उनको रास्ता दिखा देगा, या वो उनको अच्छे शेयर्स को बाय करेगा। तो इसीलिए तो टाइम आपसे मांगा जाता है, इसीलिए आपसे टाइम मांगा जाता है सर। अपने फंड मैनेजर पर भरोसा रखें, अपने फंड पे भरोसा रखें और उसको चलने दें। ये छोटी मोटी गिरावट, छोटी मोटी ये चलती रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं एक बार ऑल टाइम हाई पर वहां चला गया है तो तुरंत ही हमें वहां पर दिखा, हो सकता है ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद में भी हमारा फंड उस लेवल को ना टच कर पाए जिस लेवल पे हमारा पोर्टफोलियो का प्रॉफिट था। तो ये आपको क्वाइट क्लियर अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा। जब इस टाइप, अभी तो ये छोटा सा करेक्शन था, एक टाइप का नी जर्क था ये, जब थोड़ा सा बड़ा और करेक्शन आएगा तो भी हमें फिर तैयार रहना है, और हमें अपने गोल को, अपने मिशन को, अपने विजन को याद रखना है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप बात को समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, कितना साल, उसके बाद में कुलदीप परमार सर फिर बोल रहे हैं कितने साल सोच कर आए थे मार्केट, एसआईपी कंटिन्यू करो सब रिकवर हो जाएगा। देखो सर ने भी बिल्कुल आपको एक लाइन में बोल दिया, एसआईपी कंटिन्यू करो मींस क्या है, डिप में जो है उसको बाय करो, उसको एक्युमुलेट करो, आपको ज्यादा ही दिखेगा, आप निराश नहीं होंगे। मार्केट उनको हमेशा रिवार्ड करती है जो डटे रहते हैं और इस गिरावट के समय में मार्केट के साथ रहते हैं। ये भाई मेरे मंत्र को याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक डिकेट तो मैंने मांगा हुआ, फिर आप लोग कहाँ ये छोटी मोटी टेंशन लेकर के बैठ रहे हो मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इस ग्राउंड में पोर्टफोलियो बैलेंस करना है, एवरीवन शुड फॉलो दिस। और उसके बाद में अप्रिसिएशन हार्ड वर्क सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों ने हमें इतना सारा अप्रिसिएट किया है, इतना सारा हमें प्यार दुलार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं, चलिए बातचीत में, कब हो गया इतना लंबा वीडियो हो गया, संडे के दिन तो हो ही जाता है लंबा, आप लोग जानते ही हो। तो उसके बाद में अभी बात कर लेते हैं हम अमेरिका की मंदी की। देखिए अमेरिका की मंदी की आहट जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है वो भी बोल रही है। तो अब ये सीन है अमेरिका का, लेकिन आपको पता ही है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अमेरिका के ऊपर कोई भी बात होने से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट पे फर्क पड़ता है। अभी हम तो उस दौर से गुजर ही रहे हैं कि सारी मार्केट को अप जा रही थी, लेकिन हमारे कंपनियों की रिजल्ट की वजह से और वैल्यूएशन की वजह से और हमारे पड़ोसी देश चाइना में, लेकिन हमारे पास कोई भी आंकड़ा अभी तक, मैंने एक दिन पूछा भी था अपने सारे भाई बंधुओं से, अगर किसी के पास है उनके पास कितना पैसा गया है तो मेरे को बता दें, बाकी का तो मैंने पैसा और कंट्रियां भी आप लोगों को बताई थी, क्योंकि चाइना अपने उतनी जल्दी रिवील नहीं करता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे पीएम जो मोदी साहब को चाइना ने ऑफर दिया है कि आप हमारे यहाँ पर मेक इन इंडिया के लिए इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ से सस्ते माल को लो और उसको आप एक्सपोर्ट करो, जो कि अमेरिका करता था, लेकिन उसके लिए हमें भी ऑफर मिला है। अब देखते हैं उसके बाद में क्या होता है, वो चीजें देखी जाएंगी। अब अमेरिका की मंदी का मैं आपको बताऊं तो एक बात मैं आपको बताऊं कि भाई साहब देखिए, वॉरेन बफे जो कि इंडिया के वर्ल्ड के सबसे समझदार इन्वेस्टर माने जाते हैं, लेकिन उनका पिछला जो आकलन था वो गलत साबित हुआ था, इसलिए उनका और एलन मस्क जी का दोनों का भी गलत साबित हुआ था। अब अगर इसको लेकर के चलते हैं, बीच में उन्होंने 1,00,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी भी करी थी, आप लोगों को मैंने बताया था, लेकिन क्या हुआ है कि उन्होंने 2,73,000 एक मिनट का दहाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000 10,00,000 27,34,000 करोड़ के शेयर्स उन्होंने, उनका टोटल उन्होंने अभी इस समय बेचा है, ठीक है। और उसमें से 45,000 करोड़ के शेयर 3 महीने में अगले ने बेच दिया, नहीं टोटल उनका इतने की उनकी वैल्यू हो गई है, 27,34,000 करोड़ रुपए की उनकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई इस समय, जो कि 23,00,000 करोड़ रुपए का था। तो कुल मिलाकर के उन्होंने क्या किया है कि उनका इतना वैल्यू हो गई है, मीन्स क्या है, उनके पास इतना कैश हो गया है,
कैश होल्डिंग होगा जो कि 23,05,000 करोड़ के आसपास था। तो 4,45,000 करोड़ के शेयर उन्होंने 3 महीने में बेच दिए हैं 4,50,000 करोड़ के, जिसमें से 1,26,000 करोड़ के शेयर उन्होंने केवल एप्पल के बेचे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड डाटा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में 2,78,000 करोड़ का उन्होंने आदर्श से, जो उनकी नामी कंपनियां है ना, उनसे उन्होंने उतने के शेयर्स बेचे हैं और उसके कैश की होल्डिंग अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाई है वॉरेन बफेट। बात समझ रहे हो? तो अब तकरीबन ये मान करके चलो कि 4,50,000 करोड़ के आसपास, जहां पर 23,05,000 था वहां पर 27,34,000 करोड़ का उनका कैश का पोर्टफोलियो आज के टाइम पर हो रहा है। तो आप इस चीज को सोचिए कि इतने बड़े इन्वेस्टर अगर कैश की होल्डिंग कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग छोटा छोटा पार्ट में छोटा छोटा पोजीशन बनाते रहिए। कोई बात नहीं, यहां से मार्केट बाउंस बैक होगी तो भी इतना महंगा नहीं हो जाएगा जिस हिसाब से गिरावट कोई इतनी बड़ी नहीं। हाँ, पोर्टफोलियो में 2-4 लाख का नुकसान जरूर दिखा है हमारे जैसे के, तो आपके भी मतलब जो है किसी का 20,000-25,000 जो है 40,000 का नुकसान तो अपना दिख ही रहा होगा जिसका जिस हिसाब से पोर्टफोलियो है। जिसका और ज्यादा होगा उनका 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 जो है अपना करोड़ों में दिख रहा होगा। तो भाई देखो, गिरावट के समय पर इतना नुकसान तो हो ही जाता है, ये आपका चलता है, ठीक है ना। ये कहीं जाता ही नहीं है, ये आपका फिर रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि चलिए अब उस पर हम नहीं करेंगे, आगे हम इन दो चीजों को बोलते हैं कि क्यों ऐसा ले रहा है। दो आंकड़े हो रहे हैं, एक तो जो स्टैंडर्ड आंकड़ा है वो है आपका डेप्ट डिवाइडेड बाई GDP को कर दो तो वो आंकड़ा आपका 115% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए जितना कर्जा लिया हुआ है। लेकिन अमेरिका का क्योंकि कैरी ट्रेड का देखिए सबसे बड़ा फर्क किसके ऊपर पड़ा था, अमेरिका के ऊपर पड़ा था जब जापान ने छोटा सा स्टेप लिया था। क्यों? क्योंकि जापान से अमेरिका ने काफी सारा कर्जा ले रखा था और सस्ते रेट पर कर्जा लेकर के उसको अपना लगाया हुआ था, तो उसका जो डेप्ट का परसेंटेज जा रहा है 123% जा रहा है। ऐसा मानना है कि 115% जाने से कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ की तरफ जाता है, नंबर वन। नंबर दो, वही टोटल मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है, मैंने अपने मार्केट की एक बार आपको टोटल कैपिटलाइजेशन जो बताई थी और उसको डिवाइडेड बाय GDP से कर दो, अगर ये भी ये है वॉरेन बफे का मतलब जो है वो है अब कोट है, तो वो उनकी उनकी अपना थ्योरी है, सारी दुनिया इसको भी फॉलो करती है, तो वो अगर 115% से ज्यादा होती है तो भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी होती है। अब ये कितना जा रहा है, 195% जा रहा है, ठीक है। तो अब आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं अमेरिका में खतरे की घंटी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी 2008 में जो हुआ था अमेरिका में बहुत बड़ा भूचाल आया था, उस लिहाज से हमारे यहाँ पर करेक्शन नहीं हुआ था लेमन ब्रदर्स में, और हमारी मार्केट ने 2009 में ही पिकअप कर लिया था, जबकि US मार्केट को पिकअप करने में 2 साल लग गए थे, वो जाकर के 2008 के लेमन ब्रदर्स कोलैप्स के बाद में 2010 में पिकअप किए थे। तो इसलिए हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसको हम कैसे लेंगे, एज ए अपॉर्चुनिटी के जैसे लेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी भी एक साथ जब आपके पास हैवी चंक है तो उसको मार्केट में ना डालना भी सबसे बड़ी बेवकूफी है, लेकिन जब आपके पास यह है कि हाँ मैं जितना मेरे पोर्टफोलियो में नुकसान जाएगा इतने की मैं भरपाई कर लूंगा, आपको इसीलिए मैं बोलता हूं कि दोनों को बैलेंसिंग करना चाहिए। अब आपको अपने बैलेंसिंग के तराजू को एज के मुताबिक ले करके चलिए, तभी आप इक्विटी का अच्छा खासा फायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने काफी कुछ समझाने की कोशिश किया है। अगर जिनको जो भी संदेह रह जाता है उसको प्लीज कमेंट किया करो और उसके बाद में अपनी जानकारी को आधा अधूरा मत छोड़ा करो, क्योंकि यहाँ पर आपका जुगानी टॉक्स में एक फाउंडेशन टाइप का चलता है जो कि आपको मेरे ख्याल से अच्छी खासी फीस देने के बाद में भी लोग नहीं देंगे। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा कि मैं निस्वार्थ भाव से इसको आप लोगों को कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कोई भी कोर्सेस वगैरह स्टार्ट नहीं करे हुए हैं, मैं समर्पित हूं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो मैं उस टाइप का आपका क्लास रिवीजन टाइप का नहीं चलाता हूँ, पक्का हफ्ते में 1-2 वीडियो आपका फाउंडेशन वीडियो जरूर देता हूँ। बाकी 3 चीजों पर मार्केट चलती है, आपको पता ही है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन और आपका टाइम। नॉलेज आपके फंड मैनेजर पास है, इसीलिए मैं फंड्स के बारे में हमेशा रिकमेंड करता हूं, इंफॉर्मेशन आपको भरपूर मिलती है, फाउंडेशन जितने नॉलेज होते हैं मैं जरूर देता हूं, और टाइम देना आपका काम है, वो टाइम मैं आपसे बैक करता हूं भाई मेरे, वो आपके लिए बैक करता हूं, आपके फ्यूचर के लिए बैक करता हूं। आप लोगों ने वादा किया मेरे से कि मैं 1 टिकट जरूर दूंगा, तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं किसी और सेशन में। थैंक यू।